विकास खंड के खदरा गांव में आज सुबह तकरीबन 7 बजे किसान राजा राम पुत्र कल्लू अपनी गेहूं की फसल काटने के लिए खेतों में गए हुए थे। तभी अचानक खेतों के ऊपर से 11,000 की लाइन का तार टूट गया और गेहूं की सूखी फसल में आग लग गई। तभी आग को बुझाने के लिए दौड़े राजा राम को भी हाई टेंशन लाइट ने चपेट में लेकर बुरी तरीके से जला दिया, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। गांव के कुछ किसान लोग जो उन्हीं के खेत के आसपास फसल काट रहे थे, अचानक आग को देख दौड़े तो देखा हाई टेंशन का तार टूटा पड़ा देख तुरंत बिजली विभाग को इसकी सूचना देने के उपरांत 7 मिनट बाद बिजली कट पाई। तब जाकर ग्रामीणों की मदद से आग को काबू में कर पाए, लेकिन तब तक गेहूं की फसल लगभग एक बिस्वा जल कर खाक हो गई थी। उधर गांव के किसानों ने बताया है कि खेतों की अधिकतर गेहूं की फसल पक चुकी है और खेतों के ऊपर से जर्जर तारों के सहारे विद्युत सप्लाई की जा रही है। यह विद्युत विभाग की लापरवाही से बड़ा हादसा हुआ है। जर्जर तारों को समय रहते ही निरीक्षण करके बदलाव किया जाए, शायद यह हादसा टलते टलते बच जाता। वहीं इस बात को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है। हादसे के बाद राजा राम पुत्र कल्लू के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। क्षेत्र में बड़ी घटना होने के बाद खबर लिखे जाने तक बिजली विभाग का कोई भी कर्मचारी मौके में नहीं पहुंचा। घटना की जानकारी क्षेत्र पुलिस को होने के बाद शव को कब्जे में लेकर शव को विच्छेदन कर भेज दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।